जय हिंद दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें, मैं और नई ऑडियो बुक लाता रहूंगा। तो चलिए सुनते हैं यह कहानी। पहला एग्जाम तो हो गया है भाई लोगों, लेकिन प्रसन्नजीत का इंटरव्यू अभी भी बाकी है। ऊपर से मुझे तो उस बात का खौफ सताया जा रहा है कि पक्का कोई ना कोई कलेश होने वाला है। काफी टाइम से सब कुछ नॉर्मल चल रहा है ना, इसलिए खैर चलो चलकर इनका तमाशा देखते हैं। ओ भाई, लाइफ में पहली बार आज मेरे साथ क्या तो मजेदार चीज हुई है। आई स्वेयर आज के पल मैंने एक बार भी इतने मजे की एक्सपीरियंस नहीं की। सॉरी भाई क्रिश, तेरे लिए मुझे बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा है एकदम दिल से, लेकिन फिर भी मैंने तो खूब ही एंजॉय किया आज। हाँ फरहान, हाँ तेरी इस खुशी वाली टोन से बहुत ही अच्छी तरह दिख रहा है मुझे कि तुझे मेरे लिए कितना ज्यादा बुरा फील हो रहा है। इतना ज्यादा बुरा फील हो रहा है कि तेरे मुंह से ये स्माइल नहीं जा रही है। मन तो कर रहा है कि ये बत्ती से बाहर निकाल दूं तेरी। अरे अरे भाई, मुझे क्यों अटैक कर रहा है? जाकर उस प्रोफेसर बख्शी के पीछे पड़ना, उसने मुझे स्पेशल ट्रीटमेंट दी है, मेरी थोड़ी ना गलती है इसमें कोई। वैसे यार कृष, तुम हमेशा 24 घंटे किसी ना किसी से खपाई रहते हो ना, पहले मेरे साथ गुस्सा थे और अब फरहान पर चिल्लाते हुए आ रहे हो। ओ प्लीज तानिया, आई एम स्टिल नॉट टॉकिंग टू यू। किसी और से गुस्सा हूँ या फिर नहीं, तुमसे तो मेरा बहस तक करने का मन नहीं है। बहस ना करते करते भी कितनी बहस कर गए। चलो कम से कम इस बदले तुमने मुझसे बात तो की। क्या व्हाटएवर, कृष तो मुझे बताएगा नहीं कि तुम्हारे बीच क्या नोकझोंक हुई है, तो तू ही बता दे फरहान की ऐसा क्या हो गया जिसने तुझे इतना खुश कर दिया और कृष को एकदम भुने हुए पापड़ की तरह जला दिया। यार तानिया, तुम माने कि नहीं आज हमारे साथ क्या हुआ है। हमारे कॉलेज में ना एक नए इंटरिम प्रोफेसर आए हैं, प्रोफेसर बख्शी। उन्होंने ना कॉलेज में आते ही एक नया प्रोग्राम स्टार्ट कराया है एग्जाम के टाइम पर, जहाँ पर सेकेंड ईयर के टॉपर जो लोग पिछले साल फेल हुए थे उनको थोड़ी सी कैजुअल कोचिंग देंगे फॉर द एग्जाम्स। तो क्रिश और मैं ऑटोमेटिकली उस प्रोग्राम के लिए साइन अप हो गए और हम दोनों को प्रोफेसर ने साथ में पैर अप भी कर दिया। लेकिन अजीब बात तो ये है कि हम वहां पहुंचे रूम में तो प्रोफेसर ने मेरा क्या मजेदार तरीके से स्वागत किया और क्रिश के तो पीछे ही पड़ गए। यू लपेट लपेट के बेइज्जती मारी ना इसकी आज वाली इंट्रोडक्टरी क्लास में। मैं तो अब तो मेरी बेइज्जती पर कुछ ज्यादा ही खुश नहीं हो रहा फरहान, अब ज्यादा हो रहा है ये सब। तू रुक, अब तो मुझे पिटेगा तू। अरे भाई मुझे क्यों मार रहा है, मैंने थोड़ी ना तुझे शो ऑफ और शेमलेस बुलाया था। मेरा तो मन कर रहा है कि कल उस क्लास में जाऊं ही ना, एक तो अपनी नॉलेज शेयर करके मैं इस कॉलेज को इतना बड़ा फेवर कर रहा हूं, और अब ये प्रोफेसर की गालियां भी सुनूं मैं। मुझे मेरी जिंदगी में आज तक किसी भी टीचर ने इतनी रूडली बात नहीं किया, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली मुझे तो रीजन भी नहीं पता कि क्यों किया है। कहीं ऐसा तो नहीं क्रश कि उन्होंने तुम्हारा कल वाला पेपर चेक कर दिया, या फिर उन्हें किसी और टीचर से तुम्हारे कल वाले पेपर के मार्क्स पता चल गए हो? ऐसा तो नहीं कि तुमने इतना गंदा परफॉर्म किया कि सारे प्रोफेसर्स तुमसे अभी से नफरत करने लग गए हैं? शट अप तानिया, दिस इज नॉट पॉसिबल, और मुझे डराने की जरूरत नहीं है। मैंने तुमसे जरा सी भी एडवाइस नहीं मांगी, मेरा कल का पेपर बहुत अच्छा गया था and I'm very much satisfied with it. नहीं यार भाई, तानिया सही कह रही है, मैंने इन प्रोफेसर्स को एक दूसरे के साथ लगे हुए देखा है स्टाफ रूम में। सब एक दूसरे के साथ कॉलेज के बच्चों के ही चर्चे कर रहे होते हैं, ऊपर से तू तो इतना खास स्टूडेंट है, अगर तेरे बुरे मार्क्स आएंगे तो सारे टीचर्स को ही डिसअपॉइंटमेंट होगी। मेरा पेपर अच्छा गया था। लेकिन तू ही मुझे नहीं कह रहा था कि लास्ट के दो आंसर्स में तू थोड़ा कम लिख कर आया है, और मे बी तेरा पेपर किसी ऐसे टीचर ने चेक किया हो जो कि तुझसे चलता है। ऐसा है क्या? लेकिन मैं फर्स्ट के अलावा आज तक कभी किसी और पोजीशन पर नहीं आया, ये कैसे हो सकता है मेरे साथ? कोई नहीं भाई, अब क्या कर सकते हैं, अपने दोस्त की खुशी में ही तू अपनी खुशी ढूंढ ले, मैं टॉप करूं या फिर तू, एक ही बात है। शट अप फरहान, अगर मेरी जगह तूने टॉप किया ना तो आई विल लिटरली बर्न दिस कॉलेज डाउन। यार तू टेंशन क्यों ले रहा है भाई, शायद इतनी चिंता करता है ना तू तभी तेरे अच्छे नंबर नहीं आए। प्रोफेसर बख्शी ने भी कहा था ना कि तू मुझसे कुछ सीख, देख मैं कितना काम और शांत। थप्पड़ मारूंगा मुंह के नीचे रखकर, अगर मुझे ज्यादा ज्ञान दिया तो मेरे को नहीं बैठना तुम लोगों के साथ, अब मैं अपने रूम में जा रहा हूँ पढ़ाई करने के लिए, अब मेरे को टॉप पोजीशन ही चाहिए इस सेमेस्टर भी, वरना मैं दुनिया वालों को नहीं अपने आप को शीशे में शक्ल कैसे दिखाऊंगा।
नेकिस नहीं, तू ही टॉप करेगा इस बार भी, तू ही करेगा। तुझे और पढ़ना पड़ेगा, परसों वाले एग्जाम के लिए और अच्छे से तैयारी करेंगे हम। अब दो और एग्जाम बचे हैं, तू ही जीतेगा क्रिश, तू ही जीतेगा। अरे भाई क्रिश, कल सुबह याद से प्रोफेसर बख्शी की करेक्शन क्लास में आ जाइयो। ओह माय गॉड फरहान, यू ब्रोक क्रिश। इस रोबोट का सिस्टम बिगाड़ दिया तूने। अब हम इसके घर वालों को क्या जवाब देंगे कि कैसे बिगाड़ा हमने इनका लड़का। मेरे को क्या बोल रही है, मैं तो सिंपल अपनी तारीफ सुनने की खुशी में उड़ रहा था। असल आइडिया तो तूने इसके दिमाग में डाला है कि इसका पेपर बेकार गया होगा, अब कहीं बेफालतू में पागल ना हो जाए ये पढ़ पढ़ कर। वो तो हम संभाल। सी, प्रसन्नजीत और रूही आ रहे हैं सामने से। अच्छा सुन तानिया, आजकल तुझे रूही और चोमो एक दूसरे का कुछ ज्यादा ही क्लोज आते हुए नहीं दिख रहे? मैंने सेम बात रिधिमा से पूछी थी तो उसने तो मुझे चुटकियों में डिसमिस कर दिया था। तुझे क्या लगता है? माय गॉड, आई वाज थिंकिंग द एग्जैक्ट सेम पिछले कुछ दिनों से। मैंने भी इनकी क्लोजनेस काफी नोटिस की है। उस दिन तो कृष्ण ने भी कह दिया था कि रूही कुछ ज्यादा ही प्रोटेक्टिव हो रही है प्रसन्नजीत को लेकर। हाँ तो चोमो भी कोई मौका नहीं छोड़ता है रूही जी करके उससे चेप होने का, उसकी बातों पे बेवजह हंसने का। आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन बिटवीन देम, बट मुझे जानना है। एक मिनट, मेरा तो समझ में आता है कि मैं आउट ऑफ जेलसी ये सब शक कर रहा हूँ, लेकिन तू किस खुशी में उस इन्वेस्टिगेशन में घुसी चली जा रही है? वो प्रसन्नजीत मेरा अच्छा फ्रेंड है ना, बस इसलिए। आजकल हम थोड़ा डिस्टेंट हो गए हैं तो मुझे लगा मे बी उसकी लाइफ में कोई नई लड़की आ गई है इसलिए। अबे शुभ शुभ बोल, वो नई लड़की रूही ना हो तो ही अच्छा है। बाकी तुझे क्या लगता है कि ये दोनों आपस में क्या बातें कर रहे होंगे? पता नहीं यार, लगता है कुछ सीरियस डिस्कस कर रहे हैं। प्रसन्नजीत एक बात पूछूं, तुम्हें क्या लगता है इन दोनों के बीच में क्या बातें हो रही होंगी? फरहान और तानिया वहाँ खड़े होके क्या बात कर रहे होंगे? I mean, they look kind of close, don't they? सच बताएं तो हम काफी टाइम से अंदर ही अंदर ये सोच रहे हैं कि फरहान जी आजकल तानिया जी के कुछ ज्यादा ही करीब आ गए हैं। पहले तानिया जी सिर्फ हमारे साथ पेड़ के नीचे बैठकर चाय पिया करती थी, अब शायद हमारी जगह फरहान जी ने ले ली है। अच्छा, मैं वैसे भी फरहान से थोड़ा हंसी मजाक तो करने लग गई थी, लेकिन फिर पता नहीं यार उसको अचानक से क्या हो गया, मेरे सामने बहुत जल्दी ऑकवर्ड हो जाता है और मुझे अवॉइड भी करने लगा है। आई डोंट नो व्हाट्स द मैटर। हमें उन दोनों के पास चलकर बात करनी चाहिए, वो शायद हमारी तरफ देख रहे हैं इस वक्त। फरहान, डू यू थिंक कि प्रसन्नजीत और रूही हमारी तरफ आ रहे हैं? शुड वी गो एंड टॉक टू देम? हां यार तानिया चल। हाय हाय गाइस, हाय फरहान, हाय तानिया। गुड मॉर्निंग तानिया जी, गुड मॉर्निंग फरहान जी। चल भाग यहां से चोमो। हाय रूही। सो हाउ वाज योर इंटरव्यू प्रसन्नजीत? तुम कल के बाद सीधा मुझे अभी मिले हो। कल मैंने तुम्हें काफी ढूंढने का ट्राई किया बट देयर वाज नो साइन ऑफ यू। फिर मुझे लगा कि कहीं तुम थक कर रेस्ट ना कर रहे हो पूरा दिन। बताओ ना कैसा गया इंटरव्यू? बहुत ज्यादा ही अच्छा गया। मुझे प्रसन्नजीत कल बता रहा था कि उसने सारे क्वेश्चंस का एकदम सही करेक्ट आंसर दिया, पता है? हाँ, और ये भी तो बताइए कि हमें इंटरव्यूअर जी ने क्या कॉम्प्लीमेंट दिया था। कहा था कि आज तक किसी ने भी हमसे ज्यादा तेज तरीके से इन क्वेश्चंस का जवाब नहीं दिया है। कहते हैं कि बहुत साफ साफ दिख रहा है कि हमारा रियल पैशन यही है। हाँ, हमें तो ऐसा लग रहा है जैसे कि हमारे कंधे से कोई भारी बोझ उतर गया हो। I know, right? मैंने कहा था ना, after interview you'll feel great. देख रही है तानिया कैसे secret share होने लग गए हैं आजकल इन दोनों के बीच। मेरे को तो starting से ही doubt था इस चोमो पर। तुम ही मुझे कहती थी ना कि वो bro code नहीं तोड़ेगा। अब तो मैं सीधा इसकी हड्डियां तोड़ दूंगा। और अपनी रूही को भी देख कैसे करके प्रसन्नजीत की बातों पर हंस रही है। मन तो कर रहा है ये क्या खुसर पुसर कर रहे हैं तानिया जी के साथ फरहान जी? कुछ जरूरी बात कर रहे हैं क्या? हाँ, वो फरहान और मैं सिर्फ यही डिसाइड कर रहे थे कि आज रात पढ़ाई के लिए कहाँ मिलना है। I was thinking कि मैं फरहान के रेस्टोरेंट ही आ जाऊंगी। हाँ, यही ठीक रहेगा। इसी बहाने मेरी शिफ्ट भी पूरी हो जाएगी। रात की पढ़ाई के लिए तू रेस्टोरेंट ही आ जा। देख रहे हो प्रसन्नजीत कैसे कोड लैंग्वेज में बात कर रहे हैं हमारे आगे। रात की पढ़ाई के लिए तू रेस्टोरेंट ही आ जा, जैसे हम तो बच्चे हैं, हमको तो मालूम ही नहीं है। हमें तो पता ही नहीं चलेगा कि रात में रेस्टोरेंट में पता नहीं कौन सी पढ़ाई होती है। आप ऐसा ना कहिए रूही जी, हमारा दिल तो बैठा जा रहा है। तानिया जी इनके साथ कब से पढ़ने में इंटरेस्टेड हो गई? दुनिया में चतुर लोगों का काल पड़ गया था क्या? फरहान इतना भी डम नहीं है ओके? और तुम कब से तानिया की लव लाइफ की इतनी परवाह करने लग गए? अरे लव लाइफ नहीं, हम तो बल्कि उनकी स्टडी लाइफ की परवाह कर रहे हैं। बस दोस्त हैं इसलिए थोड़ी फिक्र लगी रहती है, वरना तुम दोनों भी अब खुसर पुसर में लग गए। लगता है यू गाइस आर अ बिट बिजी दीस डेज।
You know, with each other. Uh-huh. What did you say, Tanya? Busy with? I said busy with your studies and jobs. हाँ, Tanya जी, आप भी थोड़ी busy लग रही हैं मैं आजकल. हाँ, जैसे कि तू. I think मुझे अब चलना चाहिए. मैं जरा कैफेटेरिया की साइड जा रही हूँ. By the way, Tanya, why don't you join me? साथ में ब्रेकफास्ट कर लेते अगर तुमने ऑलरेडी कुछ नहीं खाया हो तो. Yeah, sure. इसी बहाने थोड़ी बहुत बातें भी हो जाएंगी. क्यों? Absolutely. चलो, let's go. Yeah, come on. आप क्या कर रहे हैं फरहान जी? कुछ जरूरी है क्या करने को? हाँ ना, तुझे देखूंगा. आई एम वॉचिंग यू चोमो, डीपली वॉचिंग यू बड़ी. हैं? ये कैसे अजीब तरीके से बोल के जा रहे हैं आप हमें? क्या देखेंगे, क्या देखेंगे आप हमें फरहान जी? ये जाने से पहले क्या कहकर गए हैं हमें? तान्या जी को लेकर अब इतने प्रोटेक्टिव हो गए हैं ये कि हमारे बारे में सब भूल गए हैं. ये क्या किया भगवान जी आपने? तान्या जी को दो दोस्तों के बीच आने दिया? ये तो ठीक नहीं हुआ, बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ. And the confusion continues. भाई लोगों, ये ग्रुप अब किसी मकड़ी के जाले की तरह बन चुका है. चीजें सॉल्व होने की जगह अब हर मिनट और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही है. वहां दोस्त ही दोस्त पर शक किया जा रहा है और यहां पर सीक्रेट्स के नाम पर ब्लैकमेल किया जा रहा है. खैर, इन सब में हमारा एक फायदा जरूर हो रहा है. भर भर के तमाशा देखने को मिल रहा है. आइए चलकर देखते हैं कि आज का क्या सीन है. रूही एंड तान्या अभी अभी कैफेटेरिया की तरफ ही गई है. उन्हीं की बातें सुनते हैं. So, रूही, आजकल क्या चल रहा है? I mean, काफी सारे न्यू फ्रेंड्स बना लिए हैं अब तो तुमने कॉलेज में. You don't feel lonely here now, do you? I mean, अपने बैच के लोगों के अलावा अब तो बाकी सब लोग भी तुमसे बातें करने लग गए हैं. इवन प्रसन्नजीत, वो ज्यादा लोगों से इजीली अटैच होता नहीं है, लेकिन विद यू अब वो काफी ज्यादा क्लोज आ गया है तुम्हारे, है ना? ऐसा तो कुछ खास नहीं है, बस जैसी तुम्हारी और फरहान की इतने टाइम से फ्रेंडशिप है ना, वैसे ही कुछ समझ लो. लेकिन फिर भी तुम दोनों थोड़ा ज्यादा क्लोज हो. कभी कभी तो तुम दोनों को देख के लगता है कि तुम सिर्फ दोस्त नहीं हो. Oh no, तुम फरहान और मुझ पर ध्यान मत दो. हम तो एक दूसरे को पिछले 2 साल से जानते हैं, लेकिन असली दोस्ती तो तुमने प्रसन्नजीत से की है इतने कम टाइम में. हाँ, कह सकते हैं. बाकी मुझे रोही, इधर इधर आ जाओ, यहाँ आकर मेरे साथ बैठ जाओ. ये टेबल खाली पड़ा हुआ है, सिट विद मी ना. ओ, अब चलो ना तान्या, हम दोनों रिधिमा के पास चलकर बैठते हैं. वैसे भी कोई और खाली सीट्स नजर ही नहीं आ रही मुझे कैफेटेरिया में. चलें? कितने बुरे दिन आ गए मेरे, अब उस रिधिमा के साथ बैठकर लंच करना पड़ेगा. अब चलो चलते हैं, मजबूरी में तो गधे के साथ भी बैठकर लंच करना पड़ सकता है. तुम्हारी और रिधिमा की ये सेंसिटिव दुश्मनी ना मुझे कभी भी समझ में नहीं आएगी. लेकिन खैर, इट्स नॉन ऑफ माई बिजनेस एनीवे. चलो, लेट्स सिट नाउ. हाय रिधिमा. हाय वाय बाद में कर लेना, पहले तो ये बताओ कि मैंने सिर्फ तुम्हें यहाँ लंच करने के लिए बुलाया था. तुम इस तानिया को अपने साथ क्यों लेकर आई हो? मेरी शांति तुम्हें जरा सी भी पसंद नहीं आती है. ये कैसी बातें कर रही हो तुम? स्टॉप बीइंग सो रूड विद योर सीनियर्स. यार, सिर्फ बैठने आई है ना तानिया यहाँ पे, सो जस्ट स्टॉप दिस फाइट, ओके? एंड आराम से उसे लंच करने दो यार. नहीं यार रूही, रिधिमा एकदम सही कह रही है, उसे इस टाइम शांति की सख्त जरूरत है. इसलिए आई थिंक मुझे इसके बारे में सारी बातें बताकर सभी चीजों से इसको एकदम फ्री कर देना चाहिए. क्यों रिधिमा, एकदम सही कह रही हूँ ना मैं? अरे अरे नहीं, मैं तो सिर्फ मजाक कर रही थी तानिया. तुम भी ना बहुत सेंसिटिव हो, इतनी जल्दी बुरा मान जाती हो. इधर आओ ना, यहाँ बैठो. मैंने तो स्पेशली तुम्हारे लिए चेयर भी खिसका दी है. कम सिट हो. एक काम करो, मेरा ये स्ट्रॉबेरी शेक ट्राई करके देखो. इट्स वेरी टेस्टी एंड आई नो यू विल लव इट. नो थैंक यू. कभी कभी ना तुम दोनों की इक्वेशन मुझे जरा से भी समझ में नहीं आती. अभी 2 सेकंड पहले तो एक दूसरे से बिल्लियों की तरह झगड़ रहे थे, लेकिन अब अचानक से मिल्कशेक ऑफर होने लग गई. वाह. हाँ खैर, आई डोंट केयर, पर तुम दोनों के चक्कर में ना जाने मैं क्यों खड़ी हूँ. लेट मी सिट. मुझे भी समझ में नहीं आता कि आखिर ये तानिया मुझसे चाहती क्या है. हाँ?
कुछ कहा तुमने रिद्धमा? नहीं, कुछ भी तो नहीं। वैसे आई वांटेड टू आस्क यू तानिया, बहुत जल्दी फेस्टिव सीजन आने वाला है, पहले दिवाली वगैरह आएगी एंड आफ्टर दैट क्रिसमस। सो मैं पूछ रही थी तुमसे कि यार हमारे कॉलेज में सीक्रेट सांता खेलने का कोई ट्रेडिशन है क्या? आई मीन गिफ्ट्स वगैरह एक्सचेंज करना बिना बताए कि किसने किसको गिफ्ट दिया है। वेल आई एम आस्किंग क्योंकि मुझे सीक्रेट सांता बहुत पसंद है। तुम्हें भी पसंद है ना रिद्धमा? तुम्हें जो सुन बता रही थी आई गेस। हाँ वो ऑफ कोर्स रिद्धिमा को तो ये सीक्रेट सांता का ट्रेडिशन बहुत पसंद होगा। और आरोही, हम लोग इस कॉलेज में सीक्रेट सांता तो खेलते ही हैं, लेकिन कुछ अलग टाइप का। हम लोग एक दूसरे के सीक्रेट्स खुले में बताने वाले सीक्रेट सांता खेलते हैं। क्यों रिद्धिमा, कैसा लगा ये न्यू गेम? मैं ये सब छोड़ो, वो देखो ईशान सामने से चलता आ रहा है। हाय ईशान, कम सिट विद अस नाउ। नहीं, मैं लाइब्रेरी में ही खा लूंगा लंच, वैसे भी मेरी शिफ्ट थोड़ी सी बची हुई है अभी। आई एम बिजी अभी। ओ डोंट बी रिडिकुलस ईशान, आराम से खा लो फिर चले जाना। ओके। कहाँ हो यार ईशान, आजकल तुम बहुत बिजी रहने लग गए हो। मैं इतने टाइम से तुम्हारे साथ पढ़ने की सोच रही हूँ, लेकिन तुम इधर से उधर भागते ही दिखते हो मुझे हमेशा। वो एक्चुअली मैं अकेले पढ़ना ज्यादा प्रेफर करता हूँ, एंड वैसे भी जब से एग्जाम स्टार्ट हुए हैं तुम कृष भैया के साथ ही पढ़ाई करती हो, सो मैं तुम दोनों के स्टडी ग्रुप के बीच कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहता। हाँ? ऐसा कुछ भी तो नहीं है ईशान। ओह थैंक गॉड, सिर्फ मैंने ये चीज नोटिस नहीं करी। सच बताऊं तो मैं ये तक देखकर हैरान थी कि तुम इस टाइम भी कृष के साथ क्यों नहीं बैठी हुई। तुम दोनों टॉपर साथ में ही बैठे अच्छे लगते हो। ईशान सही कह रहा है। तानिया ऐसा गाइस, मुझे लाइब्रेरी में जाने के लिए लेट हो रहा है, मेरी शिफ्ट का काफी सारा काम भी अभी बचा हुआ है। तुम लोग लंच करो, मैं निकल रहा हूँ, बाय। रुको ईशान, मैं भी तुम्हारे साथ आ रही हूँ, मैं रिद्धिमा का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती। आई थिंक शी हैज सम बेटर थिंग्स टू डू। चलो ईशान। Oh my God! I'm going to kill this Tanya. This woman has made my life miserable. ये है क्यों इस कॉलेज में? मेरा बस चलता ना तो मैं इसका अभी के अभी दूसरे कॉलेज में माइग्रेशन करा देती, या फिर इसको वापस घर भेज देती। रिद्धिमा, तुम मुझे जरा बताओगी भी कि तुम दोनों के बीच में आखिर चल क्या रहा है? उसके सामने तुम कभी एकदम से मीठी बन जाती हो, लेकिन उसके जाते ही चेंज ऑफ मूड्स। What the hell is going on between both of you, यार? और किस सीक्रेट की बात कर रही है वो बार बार? देखो मैं बच्ची नहीं हूँ, ठीक है, मुझे सब समझ में आता है कि कोई तो बात है, कोई तो सीक्रेट है जो तुम्हें तंग कर रहा है। यार कैसे बताऊं? अच्छा सुन, मैं तुझे पूरी बात तो नहीं बताने वाली क्योंकि वो चीज अभी भी सीक्रेट ही रखनी है, लेकिन आधी बात बता देती हूँ जिसकी वजह से ये नकचड़ी तान्या आजकल मेरे सर पर चुड़ैल की तरह चढ़कर बैठी हुई है। अरे बाबा जो बताना है बता, बट कुछ तो हिंट दे यार, आई एम रियली वरीड अबाउट यू कि व्हाट्स एक्चुअली गोइंग ऑन विद यू मैन। वरीड तो मैं हूँ यार, बात ऐसी है कि तान्या को मेरा एक सीक्रेट पता चल गया एंड वो मुझे उस सीक्रेट को लेकर ब्लैकमेल कर रही है, और मुझे मजबूरी में उसे ऐसे प्यार से बिहेव करना पड़ रहा है बिकॉज़ आई एम नॉट रेडी फॉर दैट सीक्रेट टू कम आउट जस्ट येट। तू समझ रही है ना? हाँ आई गेस, लेकिन तूने उसे समझाने की कोशिश करी कि नॉट टू ब्लैकमेल यू? अरे मैंने सब कुछ ट्राई करके देख लिया यार रूही, लेकिन तुझे पता है ना कि उस तान्या और मेरा 36 का आंकड़ा है, अगर एक बार वो मेरे पीछे पड़ गई तो समझो पड़ गई। इसलिए अब उससे फ्री होने का मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, टू फाइंड आउट सम सीक्रेट अबाउट हर। ऐसा कोई सीक्रेट जो उसके दिल के उतना ही करीब हो जितना मेरा सीक्रेट मेरे दिल के करीब है। तुझे क्या पता कि तान्या के दिल के करीब क्या है? आई डोंट रियली थिंक कि हमें उसकी पर्सनल लाइफ में कुछ ज्यादा मालूम है। देख ज्यादा तो नहीं पता, लेकिन एक बात जरूर पता लगाई है मैंने, तान्या का ना इस कॉलेज में किसी पर बहुत ही गंदा वाला क्रश है, मतलब इतना ज्यादा वाला कि तान्या रिलेशनशिप में आने के लिए उस लड़की की अटेंशन पाने के लिए कुछ भी कर सकती है। ओह तो इस क्रश की बात कर रही थी वो क्रश के पापा के आगे? यस, एंड जितना मैंने अजम्पशन से पता लगाया वो लड़का पक्का तान्या का कोई अच्छा फ्रेंड ही है, तभी तो वो सच बाहर आने से और अपनी फ्रेंडशिप खराब करने से इतना ज्यादा डर रही है, समझी? ओह नो, कहीं ये बात कंफर्म तो नहीं है कि तान्या लाइक्स फरहान? जैसे कि रिद्धिमा बता रही है, सारे एविडेंसेस तो यही पॉइंट आउट कर रहे हैं कि वो लड़का फरहान ही है, लेकिन मुझे उस बात का इतना बुरा क्यों लग रहा है? इट्स नॉट लाइक कि फरहान मेरे क्लोज हो और समथिंग, लेकिन पता नहीं क्यों I don't feel very good knowing the truth. पता नहीं क्यों उन दोनों को साथ में देखकर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। क्या मुझे रिद्धिमा को इस सीक्रेट लड़के का नाम बता देना चाहिए? अब should I just tell? क्या सोच रही है यार तू इतना? समझी या फिर नहीं? करेगी मेरी हेल्प उस लड़के का नाम जानने में? बताना। अब I don't think हमें कुछ पता लगाने की जरूरत पड़ेगी। मतलब? मेरे कहने का मतलब ये है कि शायद मुझे उस लड़के का नाम मालूम है। What? Seriously? कौन है यार बताना? देख मुझे ना तुम दोनों की दुश्मनी के बीच में पढ़ने का बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, पर आई थिंक वो लड़का फरहान है जिस पर तान्या का क्रश है।
मैं तुझे सिर्फ इसीलिए बता रही हूँ ताकि तानिया तुझे और भी ब्लैकमेल ना कर पाए। What? फरहान, are you sure? Not 100% sure, लेकिन मुझे काफी टाइम से बहुत तगड़ा वाला शक था इस बात पे, तो कह सकते हैं कि आई एम 90% श्योर। बाकी देखिए यार, आई डोंट नो एनीथिंग, तुम खुद इनको ऑब्जर्व करके एविडेंस निकाल लेना, इकट्ठे कर लेना, बाकी तेरी मर्जी, मुझे नहीं पता। अरे इस टाइम पर मैं इतनी डेस्परेट हूँ ना तानिया का सीक्रेट जानने में कि मेरे लिए 90% भी बहुत है। अब आएगा मजा, मैं भी दिखा देती हूँ उस तानिया मैडम को कि चाहे जितनी मर्जी चाले क्यों ना चले, चेक मेट तो सिर्फ मैं ही करने वाली हूँ, और वो भी एकदम सरप्राइजिंग तरीके से। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? मुझे तो लगा था कि शायद रूही रिधिमा और तान्या के बीच हुई इस कंफ्यूजन को थोड़ा बहुत सॉल्व कर देगी, लेकिन उसने तो उल्टा इस मुसीबत को और भी रबर की तरह खींच दिया। खैर, ये तो आपने लड़कियों का फैलाया रायता देखा है, अब जरा सुन लेते हैं कि क्रिश और फरहान की उस एक्स्ट्रा क्लास में क्या चल रहा है। चलिए मेरे साथ। मेरे को नहीं जाना ना, तू चला जा आज मेरे बिना। आई एम श्योर प्रोफेसर बख्शी तुझे कोई ना कोई नया पार्टनर असाइन कर ही देंगी। वैसे भी तू उन्हें इतना ज्यादा पसंद आ गया है ना कि वो तेरे पढ़ाई के साथ जरा से भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होने देंगे। क्या फालतू बातें कर रहा है यार, मेरे को नहीं बहरा होना किसी और के साथ भी, मुझे सिर्फ तू ही पढ़ा सकता है और तुझे भी ये बात बहुत अच्छे से पता है। चल ना भाई, कोई कुछ नहीं बोलेगा तुझे, प्रोफेसर बख्शी को मैं देख लूंगा। क्या देख लेगा प्रोफेसर बख्शी को तू, क्या देख? अच्छा, तो मुझे देखने की बातें चल रही है यहाँ पर। मिस्टर क्रिश आहलूवालिया, अंदर चलकर देख लीजिए ना, सिर्फ बाहर खड़े होकर ही क्यों लंबी लंबी बातें कर रहे हैं? वो नहीं करना है। गेट इनसाइड द क्लासरूम एंड स्टार्ट स्टडिंग, एंड यू टू फरहान। ओके सर। सुन फरहान, कहीं तान्या सही तो नहीं कह रही थी कल? ये आज भी मुझसे रूडली बात कर रहे हैं, कहीं सच में तो मैंने अपनी टॉपर वाली पोजीशन और रिस्पेक्ट तो नहीं खो दी? And you too, Farhan. Okay, sir. सुन फरहान, कहीं तान्या सही तो नहीं कह रही थी कल? ये आज भी मुझसे रूडली बात कर रहे हैं, कहीं सच में तो मैंने अपनी टॉपर वाली पोजीशन और रिस्पेक्ट तो नहीं खो दी? मुझे और भी पढ़ाई करनी पड़ेगी यार। ये क्या खुसर पुसर चल रही है मिस्टर क्रिश? पढ़ाई स्टार्ट करो, सबसे पहले मुझे जनरल पैथोलॉजी के नोट्स रीराइट करके दिखाओ, मैं भी तो देखूं कि तुम्हें कितना आता है। प्रोफेसर, आप मुझे क्यों नोट्स रीराइट करने को कह रहे हैं? फरहान को बोलिए ना, मुझे तो ये सब बेसिक्स रटे हुए हैं। सी मिस्टर क्रिश, यही तो तुम्हारा इशू है, ओवर कॉन्फिडेंस। फरहान को देख लो, ही सो हम्बल एंड डाउन टू अर्थ, और तुम्हें देख लो, अपने इस शो एटीट्यूड की वजह से ही आज तुम यहाँ और वो वहाँ खड़ा है। थैंक यू सर। मैं नहीं समझा प्रोफेसर। ओहो, अब फरहान को तुम्हें ये बेसिक बातें भी समझानी पड़ेंगी क्या? ऐसा करो क्रिश, तुम 5 मिनट के लिए अपनी ये बुक्स साइड में रख दो। कीप देम असाइड, आई सेड क्लोज देम। डन प्रोफेसर। एंड ये लो। प्रोफेसर, एग्जाम टाइम पर मैं रूबिक्स क्यूब का क्या करूंगा? यही तो दिक्कत है तुम्हारी मिस्टर क्रिश, तुम आगे बढ़ने के चक्कर में बेसिक्स को इग्नोर कर रहे हो, वो भी न जाने कब से। आई वॉन्ट यू टू टेक दिस रूबिक क्यूब एंड सॉल्व इट। जब तक तुम इसे सॉल्व नहीं कर सकते, मतलब तुम्हारे अंदर वो कंसंट्रेशन और डेडिकेशन लैक करती है जो कि एक मेडिकल के स्टूडेंट में होनी चाहिए। नो इफ्स नो बट्स, जस्ट सॉल्व दिस रूबिक्स क्यूब। ये तुम्हारा पहला लेसन है जिंदगी का रेस में। एंड फरहान, तुम अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करो, इन फालतू के टास्क के चक्करों में तुम्हारी पढ़ाई में जरा सी भी डिस्टर्बेंस नहीं आनी चाहिए। ऑफ कोर्स प्रोफेसर। एंड यू मिस्टर क्रिश, गो ऑन सॉल्व द क्यूब राइट नाउ। भाई लोगों, आज कहीं सूरज पश्चिम से तो नहीं होगा, या फिर कहीं राजस्थान में बाढ़ तो नहीं आ गई? अरे मैं ये सब चीजें आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, असल में तो मैं खुद कंफ्यूज्ड हूँ प्रोफेसर बख्शी का फरहान और क्रिश के साथ बिहेवियर देखकर। खैर, मैं कुछ ज्यादा ही बोल गया तो दिक्कत हो जाएगी, आप खुद जरा उनकी बातें सुन लीजिए। ये कैसे सॉल्व हुआ?
ये कैसे कैसे सॉल्व होगा ये? अगर ये वाला बॉक्स यहाँ जाएगा और ये ग्रीन वाला यहाँ घूमेगा, ये ऐसे, लेकिन फिर भी क्यों नहीं बन पा रहा है ये? सिर्फ एक लास्ट कलर रह गया है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। क्या कर रहा है भाई, क्यों इस रूबिक्स क्यूब के पीछे इतना परेशान हो रहा है? कब से देख रहा हूँ यहाँ, मैंने पूरे के पूरे चैप्टर खत्म कर डाला और तू अभी तक ये पूरा नहीं कर पाया। और ये क्या हालत बना ली है तूने अपनी, क्या बड़बड़ाए जा रहा है कब से? आखिर ऐसा क्या हो गया, एक रूबिक्स क्यूब ही तो है। नहीं फरहान, नहीं, बात सिर्फ रूबिक्स क्यूब की नहीं है। हाउ इज इट पॉसिबल कि मैं ये सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ? मैं क्रिश हूँ, क्रिश आलूवालिया। आज तक ऐसी कोई चीज नहीं है जिसे मैं ना कर पाऊं, और इस छोटे से डब्बे ने मेरा सारा कॉन्फिडेंस डाउन कर दिया। मैं इसे सॉल्व करके ही रहूंगा, नहीं कर पा रहा मैं। ये यहाँ जाएगा तो फिर भी ये कलर क्यों नहीं बन रहा है? पागलों वाली बात मत कर क्रिश, चल खड़ा हो ना, अब चल मेरे साथ बाहर। ऐसे ही बंद कमरे में इस क्यूब को लेकर बैठा रहेगा ना तो दिमाग सनक जाएगा तेरा। लेट्स गो यार, अब इतना भी क्या हो गया, अब इसकी छोड़ और पढ़ाई पर ध्यान दे, एग्जाम है कल तेरा। पढ़ाई होती रहेगी फरहान, लेकिन हाउ इज इट पॉसिबल कि मुझ जैसे स्मार्ट लड़के का जीना इस रूबिक्स क्यूब ने मुश्किल कर दिया है? मैं इसको सॉल्व करके ही मानूंगा, चाहे उसके लिए मुझे लोग पागल ही क्यों ना बुलाने लगे। व्हाट द हेल इज द मैटर विद यू क्रिश, अपने होश में आ जा, ये कैसी बातें बोल रहा है तू? और छोड़ ना उस डब्बे को, ला मुझे पकड़ा ये। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, नहीं दूंगा तुझे मैं ये। मैं दिखाना चाहता हूँ प्रोफेसर बख्शी को कि मैं हर चीज सॉल्व कर सकता हूँ, मैं हर चीज का टॉपर हूँ और रहूंगा भी। ये रूबिक्स क्यूब हमको दे दे क्रिश। नहीं दूंगा। ये रूबिक्स क्यूब हमको दे दे। ओहो, ये क्या शोर शराबा चल रहा है तुम दोनों के बीच, क्या कर रहे हो? इस छोटे से रूबिक क्यूब के पीछे बच्चों की तरह क्यों लड़ रहे हो? ऐसा क्या स्पेशल है इसमें, कोई मुझे भी तो बताओ। एग्जाम से एक दिन पहले जब तुम्हें दिल लगाकर पढ़ना चाहिए तब तुम ये कर रहे हो। आई एम सो कंफ्यूज्ड। अरे यार रिधिमा, मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा था, लेकिन इस क्रिश को देख, कब से ये रूबिक्स क्यूब को सॉल्व करने के पीछे लगा हुआ है और कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि इसके सिस्टम में कोई बहुत ही सीरियस वाली खराबी आ गई है। हाँ, आ गई है मुझमें बहुत ही सीरियस वाली खराबी। जो इंसान नर्सरी से टॉप करता आया है वो एक छोटा सा क्यूब नहीं सॉल्व कर सकता। समथिंग इज सीरियसली रॉन्ग विद मी मैन। शायद प्रोफेसर बख्शी सही कह रहे थे, ये फेलियर मेरी ओवर कॉन्फिडेंस का ही नतीजा है। कैसी बातें कर रहे हो क्रिश, तुम्हें किसी प्रोफेसर ने ऐसा कहा? लेकिन तुम तो सभी टीचर्स के फेवरेट स्टूडेंट हो इस कॉलेज में। हाँ रिधिमा, वेरी गुड, शाबाश। बस इसी चीज की तो कमी थी, अब तुम मेरे जख्मों पर और भी ज्यादा नमक छिड़कने के लिए आ जाओ। हाँ भाई, अब टॉपर नहीं रहा मैं इस कॉलेज का, प्रोफेसर भी मुझे पसंद नहीं करते, और ये डब्बा तक सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ मैं ठीक से। अब खुश हो तुम? मैं खुश क्यों होंगी इस बात पर क्रिश, और तुम मुझसे ऐसे रूडली क्यों बात कर रहे हो? मुझे तो कुछ पता तक नहीं कि क्या हो रहा है। हाँ, तो अगर नहीं पता तो व्हाई डोंट यू जस्ट कीप क्वाइट, जस्ट शट योर गॉडडैम माउथ एंड लेट मी लिव माय लाइफ। फिर चाहे मैं रूबिक्स क्यूब सॉल्व करूं या फिर कोई मैथ्स का क्वेश्चन। बस कर भाई, काम डाउन, इतना क्या गुस्सा कर रहा है उस बिचारी पर, उसने थोड़ी ना कुछ बिगाड़ा है तेरा। तुम सब लोग एक जैसे हो, कोई भी मुझे समझने की कोशिश नहीं करता। तुम बस एक दूसरे का साथ हो यहाँ पर खड़े रहकर, मैं खुद अपने रूम में जाकर उसे सॉल्व कर लूंगा और फिर बाद में रिवीजन भी कर लूंगा एग्जाम की। क्रिश, क्रिश क्या कर रहा है यार, रुक जा, एटलीस्ट मेरी बात तो सुन। मैंने क्या कर दिया फरहान, आई वॉज जस्ट वरिड अबाउट हिम। क्रिश मेरे साथ इतनी रूडली बात करके क्यों चले गए? मैंने तो कुछ भी गलत नहीं चाहा आज तक उनके लिए। ओहो, स्टॉप क्राइंग रिधिमा, तुम्हारी गलती नहीं है, किसी की भी गलती नहीं है, सिर्फ उस प्रोफेसर बख्शी के अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर ने क्रिश को थोड़ा कंफ्यूज कर दिया है। एंड जब क्रिश कंफ्यूज होता है ना तो वो ऐसे ही रोबोट की तरह झुनझुना जाता है। जस्ट इग्नोर हिम, तुम आराम से पढ़ाई करो, मैं अभी जरा उसे समझा कर आता हूँ। अब तो लगता है इस प्रोफेसर बख्शी वाली बात को भी थोड़ा इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। चलो बाय, सी यू। मैंने क्या कह दिया क्रिश को ऐसा जो वो मुझसे ऐसे गुस्से में बात करके गया? कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे कि ही नीड्स माय सपोर्ट, लेकिन फिर ऐसे मुझे इग्नोर करता है तो आई फील हर्ट। मैं इसमें रोना बंद करो रिधिमा, मैंने सब सुना कि क्रिश भैया ने तुमसे क्या कहा, लेकिन तुम एक्सपेक्ट भी क्या कर सकती हो उनसे? उन्हें पढ़ाई के अलावा कोई चीज समझ में आए तो ना जाने बात ही क्या होगी फिर। I don't know कि जब भी मैं कुछ अच्छा करने जा रही होती हूँ तो हर चीज बुरी कैसे हो जाती है। I was just trying to help him और वो मुझे ही ब्लेम करने लग गया। It's okay रिधिमा, तुम्हें मुझे कोई जस्टिफिकेशन देने की जरूरत नहीं है। अब थोड़ा शांत हो जाओ और चलो मेरे साथ कॉफी पीने चलते हैं। तुम बोल ही रही थी ना कि मैंने तुम्हारे साथ काफी दिनों से पढ़ाई नहीं की, तो आ जाओ, आज करते हैं कल के एग्जाम की तैयारी साथ में।
सॉरी टू से ईशान, लेकिन मेरा अभी कुछ टाइम अकेले रहने का मन है, बुरा मत मानो, तो मैं अपने रूम में अकेली बैठकर पढ़ाई करना चाहती हूँ, सॉरी अगेन बट बाय। क्रिश आलूवालिया से बड़ा जालिम इंसान मैंने आज तक कभी नहीं देखा। कैसे से हैं यार ये, वहाँ वो लड़की उनके लिए रो रही है और उनको कोई परवाह ही नहीं है। एंड अभी तक तो रिधिमा को आइडिया लग भी जाना चाहिए था कि जितना प्यारा वो भैया को समझती है, असल में तो उनके अंदर रोमांटिक का आर भी नहीं है। मुझे तो इतना गुस्सा आ रहा है ना उन पर अभी कि मैं एक्सप्लेन तक नहीं कर सकता हूँ। अरे भाई लोगों, ये प्यार इतना ज्यादा दर्द क्यों देता है? वहां बेचारी रिधिमा क्रिश से दिल तोड़वा कर आई पहले, और फिर उसने हमारे ईशान का दिल एक गुलाब के फूल की तरह अपने पैरों तले रौंद दिया। खैर, आप लोग अब मेरे साथ ये देखने चलिए कि तान्या रिधिमा के जले पर मिर्च मसाले कैसे छिड़कती है। लेट्स गो। ओहो, अब क्यों रो रही है मेरी प्यारी रिधिमा? जो लड़की आज से पहले लोगों को रुलाने की धमकी देती थी, वो खुद आज कोने में बैठकर रो रही है। ओहो, ये तो बहुत ही ज्यादा बुरा हो गया। नहीं देखो तान्या, प्लीज यहाँ से दफा हो जाओ, अभी के अभी। मेरा 1% भी मजाक का मूड नहीं है, और मुझे तुम्हारे मुंह से कोई बकवास नहीं सुननी है इस टाइम। आई हैव हैड enough of this shit with you. अरे बाप रे, गुस्सा, मैं तो डर गई। मुझसे ठीक से बात करो रिधिमा, वरना मैं तुम्हें याद दिला दूंगी कि तुम्हारा कोई बहुत ही खास सीक्रेट अपने पेट में दबा कर रखा हुआ है मैंने। क्यों? सीक्रेट? सीक्रेट? मेरा सीक्रेट दबा कर रखा हुआ है तुमने तान्या? और जो तुम्हारा सीक्रेट मुझे आज पता चला, उसका क्या? कौन सा सीक्रेट? ये क्या नई चाल लेकर आई हो तुम? इतना भोली बनने की जरूरत नहीं है अब मेरे सामने। क्यों, अब क्या हुआ मैडम? हो गई सिट्टी पिट्टी गुल, खुली की खुली रह गई ना तुम्हारी आंखें? अरे सब पता है मुझे अच्छी तरह से, किस लड़के पर क्रश लेकर बैठी हुई हो तुम। शट अप, कुछ भी मत बोलो। देयर इज नो वे इन हेल कि तुम्हें उस लड़के के नाम का पता होगा। जब किसी को कोई आइडिया नहीं है तो तुम कैसे जान सकती हो इस बात को? मुझे डराने की जरूरत नहीं है अपने झूठे प्लान्स बना बना कर। मैं डरने वाली नहीं हूँ तुमसे। यू विश मिस तान्या, मुझे सब कुछ पता चल चुका है, और तुम्हें सिर्फ ये गलत फहमी है कि किसी को भी उस लड़के का नाम नहीं पता। असल में सिर्फ मैं नहीं हूँ जिसने तुम दोनों के बीच की केमिस्ट्री नोटिस की है। रूही और मेरे बीच में अच्छी खासी बात हुई है इस चीज को लेकर। रूही ने ही मेरा शक कन्फर्म किया कि तुम्हें कौन पसंद है। अब बताओ, क्या अभी भी डर नहीं लग रहा है तुम्हें? हाँ, रूही कैसे जानती है? और नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। तुम मुझे सिर्फ और सिर्फ पागल बनाने की कोशिश कर रही हो। तुम्हें उस लड़के का नाम तक नहीं पता, इसलिए ही तो पहेलियां बुझा रही हो मेरे सामने इनडायरेक्टली। अच्छा जी, आर यू श्योर कि मुझे सच में नहीं पता? अगर मुझे सचमुच उस लड़के का नाम भी नहीं पता होता ना, तो मैं ये तक नहीं बता पाती कि वो हमारे फ्रेंड सर्कल में आता है और तुम्हारा पिछले 2 सालों से दोस्त है। और तो और, हम सब साथ में अभी मनाली भी होकर आए हैं। अभी भी कोई डाउट है क्या तुम्हें? अभी भी बोलना चाहती हो कि मेरी और रूही की बात झूठी है? ये तुम्हें किसने बताया? How dare you, रिधिमा? तुम्हें शर्म नहीं आई मेरे पीठ पीछे ये सब बकवास इकट्ठा करते हुए? शर्म? कैसी शर्म? जब तुम्हें शर्म नहीं आई अपने फ्रेंड पर ही क्रश बनाते टाइम और मुझे ब्लैकमेल करते टाइम, तो मुझे किस बात की शर्म आएगी? एटलीस्ट क्रिश मेरा इतना पुराना फ्रेंड तो नहीं है ना? शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए, जो अपनी दोस्ती खराब होने के डर से भी उस लड़के को अकेला नहीं छोड़ रही। बकवास बंद करो अपनी। अब दोबारा मुंह खोला ना तो मैं भी बता दूंगी कि मैं क्या चीज हूँ। और खबरदार जो ये बात किसी और के साथ अब डिस्कस की तो, रूही के साथ भी नहीं, वरना याद रखना क्रिश वाली बात अभी भी सिर्फ मैं ही जानती हूँ। Yeah, whatever. तुम अपनी जबान बंद रखो, and in return मैं अपनी जबान बंद रखूंगी। लेकिन आईना अगर मेरे रास्ते में आई तो मैं सबके सामने चिल्ला चिल्ला कर तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड कम क्रश का नाम बता दूंगी। अब हटो मेरे आगे से, मेरा और टाइम खराब मत करो। लेट मी गो। ये रिधिमा को रूही से उस लड़के का नाम कैसे पता चल गया? मैंने तो आज तक रूही से कोई ज्यादा पर्सनल बातें भी नहीं की, एंड आई डोंट थिंक सो कि मैंने प्रसन्नजीत का नाम कभी भी किसी के सामने मेंशन भी किया हो। तो फिर ओह नो, मैंने कभी सामने से किसी के भी आगे प्रसन्नजीत का नाम नहीं लिया। लेकिन उस दिन मनाली के ट्रिप के टाइम मुझसे फरहान ने खुद सामने से हमारे बारे में पूछा था। फरहान को मुझ पर स्टार्टिंग से शक तो था, कहीं उसी ने तो ये बात रूही को नहीं बताई। ये बात तो मैं क्या, पूरा कॉलेज जानता है कि फरहान रूही को इम्प्रेस करने के लिए कुछ भी कर सकता है।
कहीं उसी ने रूही के चक्कर में मुझे बस के नीचे धक्का तो नहीं दे दिया? ये क्या किया तूने फरहान? मैंने तुझे अपना बेस्ट फ्रेंड माना था, लेकिन तू तो एक नंबर का आस्तीन का सांप निकला। अब तू देखता जा कुत्ते, कैसे मैं तेरा भी जीना मुश्किल करती हूँ उस रिद्धिमा के साथ साथ। ओहो भाई लोगों, इन लोगों के बीच की कंफ्यूजन तो अब मेरे दिमाग पर भी चढ़ने लगी है। लोगों के बीच में लव ट्रायंगल होता है, लेकिन हमारी तान्या, रिधिमा और रूही के बीच तो क्रश ट्रायंगल चल रहा है। खैर, अब जरा क्रिश की हालत देख लेते हैं। उनके तो भाई साहब होश ही उड़ रखे हैं। और रीजन क्रश या प्यार मोहब्बत नहीं है, रीजन है एक नन्हा सा रूबिक्स क्यूब। आओ आओ देखते हैं। अब तो एग्जाम भी हो गया, अब क्यों नहीं सॉल्व कर पा रहा हूँ मैं ये रूबिक्स क्यूब। मैंने कितना ट्राई कर लिया, यूट्यूब पर वीडियोस भी देख ली कि हाउ टू सॉल्व अ रूबिक्स क्यूब, लेकिन कुछ भी नहीं। हाउ इज इट पॉसिबल कि मेरे जैसा टॉपर इंसान ना बेसिक काम ही नहीं कर पा रहा? इट्स प्योर साइंस एंड मैथ्स, लेकिन आज उन्होंने भी मेरा साथ छोड़ दिया। तो अब टॉपर नहीं रहा क्रिश, जो अब सच में टॉपर नहीं रहा। You are a failure, Krish. तू इतनी बेसिक सी चीज नहीं कर पा रहा, तो तुझे डॉक्टर बनने का भी कोई राइट नहीं है। जैसे कहते हैं हेलर ऑफ दिस कॉलेज, और किसी चाय की टपरी पर छोटू का काम कर ले, वो जॉब तुझे MBBS से बेटर सूट करेगी। अब तो यू फूल, मुझे शर्म आ रही है तुझ पे तो। आओ, ये क्या कर रहे हैं आप? क्या तब से इस डब्बे के साथ खेले जा रहे हैं? थोड़ा सामने देखकर भी चल लीजिए। वैसे तो मुझे शुरू से ही आइडिया है कि आप कितने ज्यादा सेल्फिश हैं। अपनी नॉन लिविंग चीजों के अलावा और किसी के भी इमोशंस दिखाई नहीं पड़ते हैं आपको। लेकिन ये कॉलेज आपका नहीं है जो जब चाहे किसी से भी टकरा जाए। हर चीज आपके बारे में नहीं होती है क्रिश भैया, तो प्लीज लोगों के साथ रूड होना छोड़ दीजिए, उन्हें नजरअंदाज करना बंद कर दीजिए। मैंने कुछ भी नहीं किया, ये क्या हो रहा है? मुझसे ये छोटा सा रूबिक्स क्यूब सॉल्व नहीं हो रहा, और अगर मैं टॉपर नहीं रहा तो मतलब तू कोई मेरी रिस्पेक्ट भी नहीं करेगा। देखो देखो कैसे लूजर ईशान भी अब मुझसे आवाज ऊंची करके बात कर रहा है, देख रहे हो तुम सब? ये क्या तमाशा लगा रखा है आपने सुबह सुबह? मैं रिधिमा नहीं हूँ जिससे गुस्से से बात करके आप उसे रुला देंगे। मैं ईशान हूँ ईशान, मैं आपको अच्छी तरह से जान गया हूँ कि आप कितने ज्यादा सेल्फिश हैं। हाँ हाँ, मुझ में ही सारी बुराइयां हैं। मैं सेल्फिश हूँ, पागल हूँ, स्टूपिड हूँ, मैं फेलियर हूँ। ना ही मैं एक टॉपर रहा और ना ही मुझे ये रंगीन डब्बा सॉल्व करना रहा है। तू जीत गया ईशान, मैं हार गया। प्रोफेसर बख्शी तो क्या, हर किसी को मुझसे बदतमीजी से बात करनी चाहिए। मैं वही डिजर्व करता हूँ, मैं एम्बैरेसमेंट डिजर्व कर। ये क्या शोर मचा रखा है तूने क्रिश? देख तो सही, एग्जाम रूम के बाहर चिल्ला रहा है तू। कैसी भीड़ इकट्ठा कर लिया हर जगह, टीचर्स और स्टूडेंट्स सब घूर रहे तुझे। और ईशान क्या लड़ रहा है तू इससे? दोनों ने दिमाग खो दिया है क्या अपना अपना पढ़ाई के चक्कर में? दिमाग तो क्रिश भैया ने अपना खो दिया है, जिससे जैसा मन करता है वैसे बात करते हैं। कल रिधिमा ने तो बर्दाश्त कर ली इनकी बातें, आज मैं नहीं करूंगा। क्या बोल रहा है यार तू ईशान, क्या किया अब क्रिश तूने? And what is the matter with you? ये क्या हाल बना रखा है तूने अपना? ऐसे बिखरे बाल, ये कल रात वाले कपड़े, आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स, ऐसा बिना फ्रेश हुआ एग्जाम दिया तूने, और अभी तक ये रूबिक्स क्यूब को लेकर घूम रहा है तू हाथ में। प्लीज टेल मी कि एग्जाम में कुछ तो लिखा है तूने, या फिर पूरा टाइम इसको ही सॉल्व करने में बिता दिया? अरे भाई, क्या फर्क पड़ता है कि मैंने एग्जाम में कुछ लिखा हो या फिर नहीं? अपनी तरफ से जो पढ़कर गया था वो तो लिखा आया, लेकिन फिर भी अब टॉपर तो नहीं रहा मैं, ना ये रूबिक्स क्यूब सॉल्व कर पा रहा हूँ, और ऊपर से अब प्रोफेसर बख्शी को भी डिसअपॉइंट कर दिया। सिर्फ बख्शी ही नहीं, अपने आस पास के सभी लोगों को डिसअपॉइंट करा है मैंने, और अगर अभी करा नहीं तो कर दूंगा। बस कर भाई, बहुत हो गया। प्रोफेसर बख्शी के ये बेकार से रूबिक्स क्यूब को तो दिल से लगा लेगा, ये किसको पता था? और ऊपर से क्या पता बख्शी ऐसे ही बिना बात का सुना रहा हो तुझे? इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि सचमुच तू टॉपर नहीं रहा। तानिया और मैं तो सिर्फ आइडिया लगा रहे थे वो टॉपर वाली बात का। क्या पता प्रोफेसर बख्शी को तेरे मार्क्स के बारे में पता ही ना हो। लेकिन फिर वो क्यों मुझसे दुश्मनी निकालेंगे? मैं पक्का फेल ही हुआ हूँ इस टाइम। शट अप क्रिश, वैसे तो बड़ा स्मार्ट बनता है तू, और तू इतनी छोटी सी बात पर पागल हो रहा है।
तू चुप रहे और अभी चल मेरे साथ उस प्रोफेसर बख्शी के पास। लेट्स गो राइट नाउ। अब तो सीधा उन्हीं से पूछेंगे कि हम के आखिर किस बात की दुश्मनी निकाल रहा है तुझसे। चल मेरे साथ तू। यार फरहान, क्यों ले जा रहा है तू मुझे प्रोफेसर के पास? मुझे और इंसल्ट नहीं सुननी अपनी। मैं ऑलरेडी कितना। ओह माय गॉड, व्हाट आर यू टू डूइंग रनिंग लाइक दिस? एंड यू मिस्टर कृष आलूवालिया, व्हाट इज द मैटर विद यू? सॉरी प्रोफेसर। ये क्या हालत बना रखी है अपनी? एग्जाम देने गए थे या सीधा बिस्तर से उठकर बाहर वॉक पर निकल गए थे? हाँ, वैसे तुम जैसे बच्चों से ज्यादा उम्मीद रख भी तो नहीं सकते ना। तुम तो एग्जाम हॉल तक भी चले जाओ तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। एंड व्हाट इज दिस? अभी तक इडियट्स की तरह इस अनसॉल्वड रूबिक्स क्यूब को हाथ में लिए घूम रहे हो? क्यों भाई, सॉल्व नहीं कर पाए? खैर, मुझे तो हैरानी भी नहीं होनी चाहिए। एक्सक्यूज मी सर, वन मिनट प्रोफेसर, सो सॉरी टू आस्क, एंड मैं आपकी डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ, बट आप क्रिश से ऐसे बात क्यों कर रहे हैं? फरहान, तुम मुझसे क्रॉस क्वेश्चन कर रहे हो? मैं ऐसा बिहेवियर क्रिश से तो एक्सपेक्ट कर सकता था, लेकिन तुम ऐसा करोगे? आई डिड नॉट एक्सपेक्ट दैट। प्रोफेसर, मैंने गलत क्या पूछ लिया आपसे? आई जस्ट वॉन्ट टू नो कि आप क्रिश की हर टाइम ऐसी बेइज्जती क्यों करते हैं? आज तक ऐसा कोई प्रोफेसर नहीं आया इस कॉलेज में जो क्रिश से इंप्रेस ना हो, फिर आप उससे ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? कहीं आपने क्रिश के मार्क्स तो नहीं देख लिए इस सेमेस्टर के? प्रोफेसर, मैं फेल हो गया ना इस बार, मैं टॉपर नहीं रहा ना। आई न्यू इट। ये कैसी बेकार की बातें कर रहे हो तुम दोनों? मुझे किसी के भी मार्क्स नहीं पता। मुझे नहीं पता कि क्रिश फेल हुआ है या पास, लेकिन तुम जैसे बच्चे से एक्सपेक्ट भी क्या कर सकते? क्रिश, तुम पहले साल में तो फेल हो गए, अब अगर दोबारा फेल हो भी गए तो क्या फर्क पड़ता है? फालतू की बातें करने से बेटर फरहान की तरह थोड़ी पढ़ाई कर लेते तो बेटर रहता। फेल? क्रिश ने आज तक कभी फेलियर की शक्ल भी नहीं देखी है, तो फर्स्ट ईयर में कैसे फेल हो सकता है? क्रिश नहीं बल्कि मैं हूँ वो, मैं हूँ जो फर्स्ट ईयर में फेल हुआ था। क्रिश तो बचपन से ही टॉप करता आया है और उसने पिछले साल भी टॉप किया था। आपको कुछ बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। व्हाट? व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? दो सेकंड रुको। ये फाइल्स तो मुझे कुछ और बताती हैं। ये तुम्हारी फाइल है फरहान, एंड ये क्रिश की फाइल है। हियर, चेक दिस आउट। अब तुम दोनों मुझे खुद ही बता दो कि ये क्या गड़बड़ कर रहे हो तुम लोग। गड़बड़? प्रोफेसर, ये फाइल्स ठीक नहीं है। हाँ सर, जिस फाइल के आगे मेरा नाम है वो फरहान की फाइल है, और जिसके आगे फरहान का नाम है वो मेरी फाइल है। मैं हूँ फर्स्ट ईयर का टॉपर। व्हाट? लेकिन मुझे ये फाइल्स ऐसे ही दी गई थी, और इसी वजह से मैं तुम्हें इतना रूडली ट्रीट कर रहा था क्रिश। ओह थैंक गॉड, अब जाकर मेरी जान में थोड़ी जाना ही। अरे प्रोफेसर, क्रिश को फेलियर बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता, तभी तो देखो कैसी हालत बना ली है इसने अपनी। मैं तो फिर भी एक बार आपकी डांट खा लेता, लेकिन क्रिश के बस की तो है ही नहीं ये सब बातें। अब तो खुश हो जा क्रिश, देख सारी कंफ्यूजन दूर हो गई। देखो कोई भी प्रोफेसर हिट नहीं करता, और तेरे मार्क्स भी नहीं आए हैं अब तक। देख लियो, हर बार की तरह तू ही टॉप करेगा इस बार। I'm sorry क्रिश my child, I did not mean to treat you like that behavior, तुम उसके हकदार नहीं थे। मुझे कोई आइडिया नहीं था कि तुमने टॉप किया है। मुझे पता होता तो आई वुड हैव नेवर ट्रीटेड यू लाइक दैट। माय अपोलॉजीज। अब तो खुश हो जा यार भाई तू। देख प्रोफेसर ने माफी भी मांग ली अब तो। खुशी? किस बात की खुशी? टॉप करूं या ना करूं, ये सिंपल सा रूबिक्स क्यूब नहीं सॉल्व कर पाया मैं। बात सिर्फ टॉप करने की या फिर फेल होने की नहीं है, बात इसकी है कि शायद मैं उतना स्मार्ट नहीं हूँ जितना तुम सबको लगता है। बात यही है कि इस रूबिक्स क्यूब ने मुझे ये दिखा दिया कि चाहे मैं एग्जाम टॉप क्यों ना कर लूं, मैं स्मार्ट क्यों ना हो जाऊं, लेकिन मैं हमेशा सबसे स्मार्ट नहीं हो पाऊंगा। आई एम सॉरी क्रिश इफ आई मेड यू फील दैट वे। माफी आप मुझसे नहीं बल्कि फरहान और हर उस बच्चे से मांगिए जिसको आपने बुरा ट्रीट किया जस्ट बिकॉज वो बाकी बच्चों के लेवल का स्मार्ट नहीं है। उसे सिखाने की बजाय आपने उसको ताने मारे हैं, और आप कोई न्यू टीचर नहीं है। दुनिया के आधे से ज्यादा टीचर्स ये पार्शियलिटी करते हैं। I'm so sorry, फरहान and Krish. I'm really sorry. मेरा क्या है, मैं तो हर चीज हैंडल कर लूंगा भाई। तू इतना इमोशनल क्यों हो रहा है? कोई बात है क्या? मुझे उस चीज के बारे में कोई बात नहीं करनी। मैं कहीं और जा रहा हूँ। And please don't come following me. क्रिश, मेरी बात तो ओहो, चला गया। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं क्यों पागल हो रहा हूँ? मुझ में कुछ भी सब। क्रिश, तुम रो रहे हो? तुम ठीक तो हो ना?
देखो चंद्रमुखी, मुझे इस टाइम किसी से बात नहीं करनी है, और खासकर तुमसे तो बिल्कुल भी नहीं। जस्ट लीव मी अलोन एंड गो प्लीज। हाँ हाँ ठीक है, चली जाऊंगी, लेकिन 2 मिनट यहाँ आकर बैठो तो सही, 5 मिनट सांस ही ले लो। देखो कैसे आंखें एकदम लाल कर रखी हैं। कम हियर एंड सिट। आई स्वेयर कोई भी फालतू की बात नहीं करूंगी मैं, आई प्रॉमिस। कम हियर। ओके। वैसे मैंने कहा था कि बोलूंगी नहीं, लेकिन कुछ सीरियस हुआ है क्या क्रिश? मैंने तुम्हें कभी रोता हुआ देखना तो छोड़ो, तुम्हें कभी इस हालत में इमेजिन तक नहीं किया, और स्पेशली एग्जाम्स के टाइम पर तो बिल्कुल भी नहीं। वो तो तुम्हारा फेवरेट सीजन होता है ना? कुछ भी फेवरेट नहीं है मेरा आपसे। तुम्हें एक बात बता दूं, मैं स्मार्ट नहीं रहा हूँ। मैं अभी भी तुम लोगों की तरह बिल्कुल एवरेज सा मेडिकल स्टूडेंट बनकर रह गया हूँ। ये देखो, मुझसे ये रूबिक्स क्यूब भी सॉल्व नहीं हो पा रहा है। मुझे कभी लगा तक नहीं था कि ये एक क्यूब मुझे मेरी औकात दिखा देगा। क्यूब? कौन सा क्यूब? ये देखो क्रिश, तुम्हें भी पता है और मुझे भी पता है कि हम दोनों एक दूसरे को स्टार्टिंग से पसंद नहीं करते हैं, लेकिन मैंने तुम्हें ये बात भी बताई थी कि हम दोनों काफी ज्यादा सिमिलर हैं। एना क्या चाहती हो? साफ साफ बोलो, लाइफ में पहली बार ऐसा हुआ है कि मेरा दिमाग नहीं चल रहा। मैं ये कहना चाह रही हूँ क्रिश कि मुझे बहुत अच्छे से पता है कि ये रूबिक्स क्यूब या फिर कोई और बात तुम्हारे रोने के पीछे का रीजन नहीं है। मतलब तुम्हारी फ्रस्ट्रेशन इसकी वजह से बढ़ जरूर सकती है, लेकिन मेन रीजन तो कुछ और ही है जो तुम अभी तक हर किसी से छुपा रहे हो। ऐसा कुछ भी नहीं है, यही सिर्फ यही रीजन है मेरे सैडनेस का। तुम्हें कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। अगर तुम्हें नहीं बताना है तो इट्स फाइन, मैं उठकर चली जाऊंगी यहाँ से, लेकिन प्लीज डोंट लाई। बहुत ही बेकार सा रीजन है, तुम हंसोगे मुझ पर। अरे बाबा नहीं हंसूंगी, तुम बताओ तो सही। आज से पहले मेरी लाइफ में जितने भी एग्जाम्स हुए हैं ना, नर्सरी से लेकर बोर्ड्स या फिर कॉलेज के ही सही, पापा हर एग्जाम से पहले मेरे रूम में आते थे या फिर मुझे कॉल मिलाकर कहते थे कि चकते फट्टे स्मार्ट पुत्र। लेकिन जब से वो तानिया वाला सीन हुआ है और पापा मुझसे नाराज हो गए हैं, उन्होंने लाइफ में पहली बार इस एग्जाम के टाइम पर मुझे कॉल करके अपनी आवाज सुनाना तो क्या, एक मैसेज तक नहीं किया। मुझे नहीं लगा था कि पापा का मुझे स्मार्ट पुत्र बुलाना मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ाने में इतना मेन रोल प्ले करेगा। उन्होंने नहीं कहा ना, ऐसा लग रहा है जैसे मैं स्मार्ट ही नहीं हूँ। आई डोंट नो व्हाई। मुझे नहीं लगा था कि हमारे मैकेनिकल रोबोट क्रिस्पी इतने इमोशनल हो सकते हैं। आई थिंक जो भी बातें तुमने अभी अभी मुझे कही है ना, वो अगर तुम डायरेक्टली अपने डैड को कॉल करके बताओगे तो क्या पता तुम्हारी लड़ाई खत्म हो जाए। नहीं चंद्रमुखी, वो नहीं समझेंगे। अभी तक नहीं समझे तो मेरा रोना सुनकर भी नहीं मानेंगे। It will be a waste. But at least waste करोगे भी तो सही, तो अपने डैड पर ही करोगे ना। Trust me and call him. ये लो मेरा फोन ले लो and just dial him. अब तो ऐसा लग रहा है जैसे उनसे बात करके ही टॉपर क्रिस वापस बाहर आएगा। Call him ना। मैं call? लेकिन अगर अरे try तो करो ना डफर, call him. Okay. Wait. बेल जा रही है। हेलो पापा। हाँ तो भाई लोग, एग्जाम्स खत्म हो गए हैं, क्रिश का भी मेंटल ब्रेकडाउन खत्म हो चुका है, सब कुछ सेट हो चुका है, अब बारी है अगले तमाशे की। मेरा मतलब है कि इनका तो ऐसा ही है ना, एक प्रॉब्लम खत्म होती नहीं कि दूसरी शुरू।
आओ देखते हैं आखिर क्या होने वाला है आज। हाय शुक्र है आपका भगवान। थैंक यू जी, थैंक यू कि आपने एग्जाम्स ओवर करा दिए। सच बता रहा हूँ मैं भाई कि एक और दिन भी मैं किताबों की शक्ल देखता ना तो मेरे मुंह से हवा की जगह दवाइयों के नाम बहने लग जाते। अब जाकर थोड़ी सांस में सांस आई आज मेरे। मुझे तो लगा था कि CPR सीखते सीखते मैं खुद स्वर्ग से धार जाऊंगा। इतना भी बुरा टाइम नहीं था यार एग्जाम वाला। पहले दो एग्जाम्स मेरे लिए पर्सनली और मेंटली थोड़े मुश्किल थे लेकिन फिर मैंने स्पीड पकड़ ली। आई एक्चुअली मिस दोस टाइम्स। कैंपस में कितनी शांति होती थी नहीं? हाँ भाई हाँ, तुम क्रिश आलू वालिया हो, क्रिश आलू वालिया। तुम्हारे लिए एग्जाम सिर्फ मेंटली डिफिकल्ट हो सकते, मुझसे तो फिजिकली भी पेन उठाई जा नहीं रही थी एग्जाम हॉल में बात कर रहा है। चलो अब हो गया ना, देन व्हाई बी टॉकिंग अबाउट द पास्ट। लेट्स स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द नेक्स्ट सेमेस्टर ऑलरेडी। इस बार का सिलेबस भी बहुत अच्छा है, जनरल पैथोलॉजी में। What happened? Why are you shouting like this? लोग घूर रहे हैं मैं, for God's sake. अगर तूने एक और बार भी मेरे सामने पैथोलॉजी बोला ना तो मुझे पागलपन के दौरे पड़ जाएंगे। और ये क्या फालतू की बातें कर रहा है कि नेक्स्ट सेमेस्टर की पढ़ाई शुरू कर देते, तेरे को लोनर ही मरना है क्या? साफ साफ बोल ना क्या कहना चाहता है, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं कहना चाहता हूँ कि इन किताबों को ले और अपनी गो, अरे मतलब इन बुक्स को उठा करके कमरे के किसी दूर के कोने में रख देना यार। क्या बार बार पढ़ाई पढ़ाई करता रहता है, जस्ट लिव योर लाइफ डूड। और तू इस साल फिर से भूल तो नहीं गया ना, पिछले साल याद नहीं कि कैसा तमाशा किया था उसने? इस बार दोबारा बेइज्जती करानी है क्या या फिर सीधा जान से ही हाथ धोने हैं? वो छोड़ेगी नहीं हमें अब अगर कुछ गड़बड़ हुई तो। क्या बोला मैं इस साल फिर से? कौन कर देगा तमाशा, कौन नहीं छोड़ेगी हमें? आई एम कंफ्यूज्ड अगेन, मैं कभी कोई चीज भूल ही नहीं सकता। Oh, you wish. I bet तू फिर से भूल गया है कि कल तानिया का बर्थडे है। पिछले साल याद है ना कि उसने हमसे सरप्राइज पार्टी मांगी थी और हम उसका बर्थडे ही भूल गए थे? पूरे 3 हफ्तों तक अवॉइड किया था उसने हमें, एंड जब रजिस्टर में 100 बार हैप्पी बर्थडे तानिया वी आर सो सॉरी लिखा था तब जाकर मानी थी वो, रिमेम्बर? Oh shit, हाँ। मुझे तानिया से वैसे डर तो नहीं लगता, उन दिनों उसकी आंखों का गुस्सा तो नेक्स्ट ही लेवल डरावना था। खैर मुझे क्या, मैं उससे पहले जैसे बात करने लग जाऊंगा और कह दूंगा कि यही उसका गिफ्ट है। बात खत्म, वो खुश मैं खुश। ओए तू तानिया को जानता नहीं है क्या? अभी 1-2 दिन पहले मिला है उससे जो ऐसी बातें कर रहा है। अगर कल तूने उसे ये गिफ्ट दिया ना तो वो तुझे तो इस कॉलेज के आखिरी मंजिल से धक्का मारेगी ही मारेगी, लेकिन साथ में मुझे भी पुश कर देगी। अब ये फालतू की बातें बंद कर एंड हेल्प मी मेक प्रिपरेशंस फॉर अ सरप्राइज बर्थडे पार्टी। तो क्या मेरे को फरहान जी ये देखिए। अबे चोमू अब भाग भाग के अंदर घुसेगा क्या मेरे? क्या चिल्ला रहा है फरहान जी? तो थोड़ा ज्यादा ही फ्रैंक नहीं हो रहा क्या हमारे साथ? भूल मत कि हम तो यहाँ से पढ़कर निकलेंगे, तेरे को जॉब करनी है यहाँ पर फ्यूचर में भी। अरे हम तो आपको ये दिखाने के लिए आ रहे थे हमारे कपड़े। ओए मैं क्या तेरी बंदी हो रखा हूँ या फिर तू कोई विक्टोरिया सीक्रेट वाली मॉडल है जो तुझे नए नए पहनाकर रैंप वॉक करता हुआ देखूंगा मैं? क्या बकवास कर रहा है? अरे हम आपसे ये पूछने के लिए आए कि हम पर इन दोनों में से कौन सी शर्ट जचेगी तानिया जी के जन्मदिन के लिए। फोन में दिखाते हैं, रुकिए, ये लाल वाली या फिर ये पीली वाली। अरे यार चोमू क्या बेकार की बातों में पड़ गया है तू, क्या लाल और क्या पीली, तेरी दोस्त तानिया जी का बर्थडे है यार, तू तो गोल्डन वगैरह कुछ पहन, एकदम चटक सुनहरा। बस तू ही तो चमकना चाहिए सरप्राइज पार्टी में, सब तेरे लिए तो हो रहा है यहाँ। सच्ची सुनहरा थोड़ा ज्यादा ना? ओ बेवकूफ के बंदे, तेरे बापू जी की दूसरी शादी हो रही है क्या जो तू सुनहरे कपड़े पहनकर एंट्री मारेगा? ऐसा कर घोड़े पर बैठ के अपना जुलूस भी निकलवा लेना। राम 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 राम, क्या बात कर रहे हैं आप भैया? जुलूस निकले हमारे दुश्मनों का, हम तो बस थोड़ा उत्साहित थे तानिया जी के बर्थडे के लिए इसलिए थोड़ी प्लानिंग कर रहे थे पहले से ही, हमें किसी को इम्प्रेस जो करना है। किसको इम्प्रेस करने की बातें कर रहा है तू? वो छोड़िए ना, हमें थोड़ी एडवाइस दीजिए ना कपड़ों के बारे में। ओ भाई अगर तू सच में किसी को इम्प्रेस करने के बारे में सोच रहा है ना तो प्लीज अपनी पूरी की पूरी अलमारी को आग लगा डाल, मेरे पास से कुछ कपड़े बोरो कर लियो कल की पार्टी के लिए। प्लीज थोड़ा सा सोबर ड्रेस हो जाइयो, एब्सोल्युटली नो चटक नटक। क्या फरहान, एक ही तो चांस था हमारा उस पार्टी में थोड़ा एंटरटेन होने का, इसको पहने दो ना जो भी पहनना है। नहीं 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 फरहान जी, क्रिश जी, हमें कोई भी रिस्क नहीं लेना, जो आप बोलेंगे हम सिर्फ और सिर्फ वही पहनेंगे। अच्छा खैर जो भी है, हम जरा वहाँ बाकी के लोगों के पास चलकर ये पार्टी का आइडिया उन्हें बता दे, मे बी दे विल आल्सो बी इंटरेस्टेड। मुझे ये पार्टी सच में सबसे कमाल चाहिए, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए कल, एवरीथिंग शुड बी परफेक्ट। फरहान जी
आपको इतना क्या हो रहा है तान्या जी की बर्थडे पार्टी परफेक्ट बनाने का? हम सब भी तो उनके दोस्त हैं ना, फिर आप इतने एक्स्ट्रा उतावले क्यों हो रहे हैं? नहीं है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। ओहो चोमो, अपने दिल की बात कैसे कहूँ मैं अब तेरे सामने कि रूही को इम्प्रेस करने के लिए ये पूरी पार्टी प्लान कर रहा हूँ मैं। आई मीन दानिया के लिए भी है, लेकिन बहुत टाइम से मैंने रूही के साथ किसी गाने पर डांस नहीं किया। ये सब हम दोनों को एक दूसरे के थोड़ा करीब लाने की ही तो प्लानिंग है। तुझे तो अब मैं वैसे भी कुछ नहीं कह सकता हूँ, तू इतना चिपका जो रहता है पूरा दिन रूही के साथ उसका बेस्ट फ्रेंड बनकर। आप हमें सच नहीं बता रहे हैं फरहान जी, लेकिन हम सबको समझ रहे हैं। आप कब से तान्या जी पर इतने एफर्ट्स लगाने लगे? तुम दोनों क्या अपने अपने ख्यालों में खो गए हो? सैलून के पास तो छोड़ो, वो लोग ही आ रहे हैं हमारी तरफ। हाय विमान, ये क्या गुफ्तगू चल रही है आप लोगों के बीच में? नथिंग मच, हम तो बस तान्या की सरप्राइज पार्टी का प्लान कर रहे थे। उसका बर्थडे है ना कल, इसलिए बस वही डिस्कशन चल रहा था कि क्या करना है कैसे करना है। हम एक्चुअली तुम लोगों के पास आने ही वाले थे कि हम सबको साथ में मिलकर कुछ अच्छा प्लान करना चाहिए। इसी बहाने तान्या भी खुश हो जाएगी और हमारी भी कुछ इंटरेस्टिंग सी गैदरिंग हो जाएगी एग्जाम्स के बाद। व्हाट से? एब्सोल्युटली नॉट, आई एम आउट। मैं उस तान्या के लिए कुछ भी प्लान नहीं करने वाली हूँ। ज्यादा से ज्यादा उसे छत के ऊपर से एक सरप्राइज धक्का दे सकती हूँ मैं, लेकिन एक सरप्राइज बर्थडे पार्टी तो कभी भी नहीं। हाँ तो ठीक है ना, तुम्हारी जगह चंद्रमुखी कर लेगी प्लानिंग हमारे साथ इस पार्टी की। वो आ जाएगी तुम्हारी जगह। क्यों चंद्रमुखी, तुम इंटरेस्टेड हो? इंटरेस्टेड तो हूँ, लेकिन क्या बाकी सब लोग और तान्या मुझे वहाँ पर देखना पसंद करेंगे? मुझे बस उसी बात का डर है कि मेरी वजह से आप सभी की पार्टी ही स्पॉइल ना हो जाए। ऐसा कुछ भी फालतू का नहीं होगा, एवरीथिंग विल बी ऑलराइट। वैसे हम भी न्यू बिगिनिंग्स के साथ आगे बढ़ रहे हैं। मैंने तान्या को माफ कर दिया है, रिधिमा ने मुझे उस पर चिल्लाने के लिए माफ कर दिया है, चंद्रमुखी को भी हम माफ कर ही सकते हैं ना, उसने हमारा कुछ बुरा थोड़ी ना बिगाड़ा है। फरहान जी, ये क्रिस जी को अचानक से क्या हो गया है? इनको चंद्रमुखी जी पर कैसे हमदर्दी आने लगी? इन दोनों का तो 36 का आंकड़ा था ना? पता नहीं यार, चोमो कुछ चमत्कार सा लग रहा है। बताओ भाई, कोई दिक्कत है क्या तुम्हें चंद्रमुखी के आने से? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। जिसको भी आना है आए, लेकिन नो फाइटिंग ओनली लविंग। तुम्हें फरहान कुछ ज्यादा एक्साइटेड नहीं लग रहा तान्या की सरप्राइज पार्टी ऑर्गेनाइज कराने के लिए? लगता है वी वर राइट अबाउट दैट क्रश वाला थिंग। एंड मे बी सिर्फ तान्या का ही क्रश नहीं है फरहान पर, इनकी एक्साइटमेंट को देखकर तो लग रहा है कि ये भी तान्या को कुछ ज्यादा ही पसंद करते हैं। बात तो तू सही कह रही है यार, आई थिंक कुछ तो गड़बड़ी चल रही है इन दोनों के बीच में सीक्रेटली, जिससे इन दोनों ने पूरे फ्रेंड्स ग्रुप से छुपा रखा है। अब तो मुझे सच के सारे एविडेंस इकट्ठे करने के लिए उस पार्टी में जाना ही पड़ेगा। ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है रिधिमा, इफ यू नॉट कंफर्टेबल गोइंग देयर इट्स ओके। मैं ना वहाँ पे हुई हर बात तुम्हें बता दूंगी। मैं तो वैसे भी फरहान पर नजर रखने वाली हूँ। क्या, फरहान पर नजर? क्यों? आई मीन फरहान और तान्या दोनों पर नजर रखने वाली। जस्ट फॉर यू? तान्या पर तो नजर रख लोगी तुम, लेकिन उस चंद्रमुखी पर कौन नजर रखेगा जिस पर क्रिश आज कुछ ज्यादा ही मेहरबान हो रहा है? कुछ कहा क्या तुमने? मुझे सुनाई नहीं दिया। अच्छा, मेरा मतलब है कि मैं कंफर्टेबल हूँ पार्टी में जाने के लिए। वैसे भी एग्जाम्स ओवर होने के बाद मैं कमरे में अकेले बैठकर क्या करूंगी? पार्टी में जो होगा देखा जाएगा, कम से कम हम जाएंगे तो। रूही, रिधिमा, तुम ये आपस में क्या फुसफुसा रही हो? रिधिमा ने तो मना कर दिया, लेकिन रूही तुम तो आ रही हो ना पार्टी में, अब तुम भी कैंसिल मत कर देना प्लान। बिल्कुल भी नहीं, इस पार्टी में रूही तो आएगी और उसके साथ उसने मुझे भी चलने के लिए मना किया। लेट्स एंजॉय दिस पार्टी मैन, मे बी आई कुड सरप्राइज तान्या विद समथिंग टू। चलो गाइस, वी हैव सो मेनी थिंग्स टू टेक केयर ऑफ। सबसे पहले तो हमें लिस्ट बनानी है हर उस चीज की जो कि हमें पर... I'm sorry, did you just say list? List? इस कॉलेज में शायद ही कोई इंसान होगा जिसको पता नहीं होगा कि मैं लिस्ट बनाने में एकदम एक्सपर्ट हूँ। Let me make the list, please. क्रिश, मैंने तुझे आज तक कभी भी किसी चीज के लिए भी इतना एक्साइटेड होते नहीं देखा। ऐसा लग रहा है जैसे कि तू तान्या की बर्थडे पार्टी से ज्यादा उसकी पार्ट की लिस्ट बनाने में इंटरेस्टेड है। सॉरी टू से बट यस। चल फिर निकाल ले पेपर या फिर लैपटॉप, टाइप करना स्टार्ट कर जो मैं बोल रहा हूँ। सारी ड्यूटीज लिखने के साथ साथ हम उन लोगों के नाम भी ऐड करते जाएंगे जिनको वो ड्यूटीज असाइंड होंगी। कूल? हाँ, बोल। I'm ready. Okay, so सबसे पहली बात आती है बलून्स और डेकोरेशंस ड्यूटी की। डेकोरेशन वगैरह तो हम देख लेंगे फरहान जी, हमें गुब्बारे फुलाने भी बहुत ही अच्छे से आते हैं। हाँ भाई, यही भी ठीक है, अपने चटकीले कपूर की थोड़ी चमकीली तान्या की पार्टी पर भी गिरा दियो। अच्छा फरहान, लिसन ना, कैन आई जॉइन प्रसन्नजीत इन दिस ड्यूटी? I don't think कोई भी इंसान पूरा इस पार्टी को अकेले डेकोरेट कर सकता है। I can help him ना, and of course I can also help in lifting some heavy stuff, थोड़ी बहुत जगह बनाने के लिए। अबे यार,
रूही को तो मैं अपने साथ फूड ड्यूटी पर लगाने वाला था। हम दोनों साथ में कितने प्यारे लगते खाना पैक करते हुए। ये चोम कुछ ज्यादा ही खींच रहा है रूही को अपनी तरफ। कुछ तो करना पड़ेगा इसके बारे में। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो, ठीक है ना? हम लोग डेकोरेशन करने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन ये तो बताइए कि आखिर पार्टी रखेंगे कहाँ? हम जगह के हिसाब से आइडिया लगाएंगे ना कि कितना सामान शिफ्ट करना पड़ेगा और कितने लोग आएंगे। फरहान, तुम किसी रेस्टोरेंट में काम करते हो ना, क्यों ना हम वहाँ पर पार्टी ऑर्गेनाइज कर दें? तुम्हारी जान पहचान है तो क्या पता थोड़ा डिस्काउंट भी मिल जाए। फरहान, चंद्रमुखी ने आइडिया तो अच्छा दिया है, हमें खाने की भी टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी। हाँ, बात तो कर सकते हैं रिधिमा और मैं वहाँ पर। ऐसा करने से मैं चोमू और रूही पर थोड़ी नजर भी रख पाऊंगा कि आखिर इन दोनों के बीच में क्या खिचड़ी पक रही है। एंड अब बच गया केक, तो ईशान यू कैन ब्रिंग द केक ना। ज्यादा लगा तो चंद्रमुखी या फिर क्रिशमस से किसी को अपने साथ लेकर चले जाना। नो, मैं अकेला ही ले आऊंगा, मुझे किसी की कोई जरूरत नहीं है। आई कैन कम विद यू अगर इतना ही है तो। कूल, तो तय रहा, हम लोग कल सुबह मिलेंगे तान्या के बर्थडे की तैयारी में। एंड प्लीज प्लीज कोई भी कल रात को 8 बजे से पहले तान्या को मत पता लगने देना कि हम लोगों ने उसके लिए ये बर्थडे सरप्राइज रखा है। ओके? चोमू, खास करके तू तो चुप ही रही हो, तान्या जी करके सब कुछ खोल देता है, कुछ नहीं निकलना चाहिए तेरे मुंह से। ओके? अरे फरहान जी, आप टेंशन मत लीजिए, हमें भी इसी बात का डर था, तो हमने सोच लिया कि कल हम तान्या जी से बात ही नहीं करेंगे रात से पहले, उन्हें इग्नोर करते रहेंगे तो सच भी बाहर नहीं आएगा। जो भी करना है करो, बस अभी से सारी प्रेपरेशन शुरू कर दो। कल तान्या के बर्थडे वाले दिन हम हर चीज के मजे उठाएंगे, बाकी वोडका और विस्की का इंतजाम तो मैं कर ही लूंगा। अगर आपको ये ऑडियो बुक सुननी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स ऐड करें।